subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं आचार्य उपाध्याय सर, जो कि रेंजर हैं 2017 बैच के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार सर, आपको यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस देंगे, क्योंकि अभी आप सभी का इंटरव्यू है जिन बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया है। जल्दी ही आपका फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू होने वाला है, तो फॉरेस्ट का इंटरव्यू किस तरह से होता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको मैनेज करना है, इस सेशन में आपको सर पूरा क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। और सर यहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस देने वाले हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, इवन आपका फॉरेस्ट मेंस से रिलेटेड, अगर आप मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं तो मेंस से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सर के द्वारा गाइडेंस मिलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ सर, बच्चों को अभी जैसे मेंस हुआ, मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है, इंटरव्यू बहुत जल्दी ही होने वाले हैं, अभी चल रहे हैं, इंटरव्यू में जी किस तरह से तैयारी करनी चाहिए छात्रों को और किस तरह से अपने प्रिपेयर करना चाहिए सर फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू के लिए? सबसे पहले तो जिनका भी इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब देखिए, इंटरव्यू के लिए कुछ चीजों को जानना में बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हमारे परीक्षा के चरण हैं, जैसे प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये चरण भले ही प्री पहले आता है, उसके बाद मेंस आता है, उसके बाद इंटरव्यू आता है, लेकिन इनकी जो तैयारी होती है वो उल्टी चालू होती है। जो हम जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तब से हमारी इंटरव्यू की तैयारी चालू हो जाती है। हम किस तरह से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के रूप में हो, चाहे हमारे जो जनरल अवेयरनेस हम किस तरह से अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसको लेकर हो। अब जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू है वो कई मायनों में हमारे जो सिविल्स का इंटरव्यू होता है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। कुछ चीजें में सेम होती हैं लेकिन कुछ चीजें बहुत अंतर कर जाती हैं। जैसे अगर फॉरेस्ट का इंटरव्यू है तो उसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से संबंधित लॉ और फॉरेस्ट से संबंधित आपके जो अनुभव हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अब इंटरव्यू में जो मेन चीज होती है वो होती है आपका जो फॉर्म भरा जाता है 3 पेज का जी, वो आप उस फॉर्म को जितना डीपली स्टडी करेंगे, आपने जो जो उसमें अपने बारे में जानकारी भरी है उस जानकारी के विषय में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में जो मेन चीज मायने रखती है वो रखती है आपका जनरल अवेयरनेस। अब ये जनरल अवेयरनेस चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, जो भी हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं। हाँ, इसमें फॉरेस्ट का अगर इंटरव्यू है तो इसमें फॉरेस्ट से संबंधित चीजों पे ज्यादा जोर होगा, ये जाहिर सी बात है कि कौन से अगर कोई लॉ आया है या किसी लॉ से संबंधित कुछ चीजें घटित हुई हैं वो पूछा जाए। अब जो हमारे मध्य प्रदेश पीएससी का एक आप कह लीजिए रूल है एक तरह का यहाँ के इंटरव्यू का, कि यहाँ पे इंटरव्यू 3 से 4 चीजों पर डिपेंड करता है। जो सबसे पहली चीज है वो है बोर्ड। हमारा जो इंटरव्यू है वो किस बोर्ड में होगा, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे जो पीएससी के जो बोर्ड्स बने हुए हैं वो उनमें कौन कौन से मेंबर हैं जी। और उन हम नेचर से भली भांति परिचित हो जाएं कि एक्चुअल में वो हमसे चाहते क्या है, पहली बात। दूसरी बात है कि उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो क्या है। ये छोटी छोटी चीजें जो हम छोड़ जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिससे हमारे करीब 5 से 6 नंबरों का इजाफा हो सकता है। तो हम पहले बोर्ड को जान लें, क्योंकि बोर्ड आपको 2 से 3 से 5 मिनट पहले ही पता चलेगा कि किस बोर्ड में हमारा इंटरव्यू है, लेकिन हम हर बोर्ड के लिए प्रिपेयर होके जाएं। उसके बाद वो किस तरह से, कुछ कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो करेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो आपसे जो जनरल जो न्यूज़पेपर चल रहा है उसी के बारे में आपसे पूछेंगे। कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा जिनका झुकाव होता है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फैक्ट से रिलेटेड है, वो पूछेंगे। कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो आपसे कहीं से भी कुछ भी उठा के आपसे पूछ सकते हैं। तो हमें उस हर चीज के लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डेली न्यूज़पेपर,
जी आप कोई भी न्यूज़पेपर है वो जरूर पढ़ें डेली। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट रहा है, जैसे हम फॉरेस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से रिलेटेड पहले हमें पूरे लॉ पढ़ने हैं, जी जितने भी हम लॉ बने हुए हैं, जैसे 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, या जो भी बायोडायवर्सिटी लॉ बना है, हमारा वन्य जीव वाला लॉ बना है, जितने भी लॉ हैं आप उसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद आप जो एक बुक आती है मणिकंदन की, एक IFS है मणिकंदन, उनकी एक बुक आती है, बहुत ही सिंपल बुक है, आप उसको एक बार पूरा अच्छे से आप उसको रीड करें। ये बुक आपके मेंस में भी काम आती है, ये बुक आपके इंटरव्यू में भी काम आती है। उसके बाद अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव का बताऊं तो आपका जो शहर है, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, उसका क्लाइमेट, उसका एनवायरमेंट कैसा है, वहां किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, वहां किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है, इसके बारे में आप बहुत विशेष और डीप रूप से आप उसका अध्ययन करें, क्योंकि आपसे उससे संबंधित प्रश्न जरूर होगा। उसके बाद अगर आपकी कोई हॉबी है, आप जो उसमें अपनी अभिरुचि लिख रहे हैं, अगर अभिरुचि से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अगर वो भी कहीं से, कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित आपकी कुछ अभिरुचि है, तो उसका भी काफी डीप अध्ययन कर। और हमें एक बात जरूर याद रखना है कि आपका उत्तर आपके अगले प्रश्न को डिसाइड करेगा इंटरव्यू में, तो आप इतना संतुलित, इतना अच्छा आप उत्तर दें कि जो उससे क्वेश्चन बने उसका अगला आप उत्तर देने में सक्षम हो। जी गलत उत्तर कभी नहीं देना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। अगर हमें, जरूरी नहीं है कि हर इंसान को हर चीज आए, अगर आपको छोटी या बड़ी कोई भी चीज नहीं आती है, आप पोलाइटली वहां पर सॉरी बोलें, मना करें और आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ें। सर, कुछ बच्चों का डाउट था हॉबीज वाले में। सर हॉबीज क्या भरें, क्योंकि हॉबीज में वो डिटेल में कई बार पूछ लेता है और इतना डिटेल में चला जाता है, तो बच्चे पूछ रहे थे सर कोई ऐसी हॉबी हो जिसके बारे में हम आसानी से आंसर दे लें। अब मैंने क्रिकेट बोल दिया जैसे हॉबी में, वो क्रिकेट में डिटेल में चले जाते हैं तो वो नहीं डिटेल पता है, तो बच्चे सर इसमें काफी कंफ्यूज थे। मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जो छात्र हैं जिनको इंटरव्यू देना है, सबसे पहले एक अंतर ये समझना होगा कि हॉबी और इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। जी हम जनरली दोनों को एक समझ लेते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारी हॉबी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इंटरेस्ट वो होता है जो चीज हम, अगर हमें समय मिलेगा तो हम कर लेंगे। लाइक मुझे क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है, तो जब मुझे समय मिलेगा मैं खेल लूंगा, समय नहीं मिलेगा मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन हॉबी वो होती है जिसके लिए आप समय निकालते हैं, जैसे मुझे बुक पढ़ने का शौक है, हॉबी है मेरी, तो चाहे कुछ हो जाए, दिन भर कुछ भी रहे, मैं 15 या 20 मिनट एक किसी ना किसी बुक रीडिंग के लिए मैं निकालूंगा। अगर मेरी कुकिंग हॉबी है तो मैं कितना भी बिजी हूं लेकिन मैं खाना जी बनाऊंगा। तो ये जो हॉबी और इंटरेस्ट है, इसमें अंतर आपको समझ आ रहा है। अब चूंकि हम एक ऐसी जनरेशन से आते हैं जहां हमारी हॉबी कुछ नहीं रही, हमने मतलब हॉबी की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारा ध्यान नॉर्मल जो हम अपनी लाइफ जी रहे थे वो जी रहे हैं, हमने कुछ हॉबी का सीखा नहीं। अब हॉबी इसलिए बनाई जाती है, और हॉबी जो हमारे सेवाओं में इसलिए हमसे पूछी जाती है कि हमारी जो सेवा होती है वो बहुत तनावपूर्ण होती है। कई बार हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़े से हैं, कभी कई बार हमें ऐसी सिचुएशन से निकलना पड़ता है जहां पर हमें बहुत तनाव होता है, बहुत टेंशन होती है, तो उस टेंशन को दूर करने के लिए, उस तनाव को कम करने के लिए हम कुछ भी ऐसा चीज करें, अपने मनपसंद की चीज करें जिससे हम थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। तो जनरली हमें वो चीज देखनी है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, वो हमारी हॉबी होगी। अब चूंकि इंटरव्यू पास में है, अब कई लोगों का ऐसा होगा कि ऐसी कोई चीज वो सर्च ना कर पाए कि कैसे हम रिलैक्स हों, क्या हो, तो कोई भी एक ऐसी छोटा सा, एक ऐसा टॉपिक पकड़ें जिस पे
क्वेश्चंस ज्यादा ना बन पाए। जैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे मित्र हैं, उन्होंने लिखा जॉगिंग। जी जॉगिंग करना मेरी हॉबी है, मैं जॉगिंग करता हूँ। अब जॉगिंग पे क्वेश्चन जनरली आप एक या दो से ज्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि जॉगिंग और रनिंग में क्या अंतर, कैसे आप जॉगिंग करते हैं। आप अगर जॉगिंग कर रहे हैं तो आपका जो फुट का मूवमेंट होगा कैसा होगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं जॉगिंग होते। पर नहीं सकता। तो या तो आप ऐसी कोई हॉबी ढूंढिए जिसपे कोई मतलब, जैसे जॉगिंग है इस तरह का। अगर आप कोई भी स्पोर्ट जैसे लाइक क्रिकेट, तो इसमें तो इतनी अपार संभावनाएं रहती हैं क्वेश्चंस बनने की जो हम नहीं बता सकते। एक बिल्कुल एग्जाम्पल बताऊं, एक एक कैंडिडेट ने लिखा क्रिकेट, तो उससे पूछ लिया गया कि आप ये बताइए ऐसा कौन सा मैदान है जहां पे मुंह खोलो तो मुंह के अंदर मक्खी चली जाती है, मतलब इतनी सारी मक्खी। तो अब हम अगर वास्तविकता में अगर हमारी हॉबी क्रिकेट होगी और हम उसको पूरी तरह से फॉलो करते होंगे तो हमें वो चीज पता होगी। अदरवाइज अगर हम केवल अपने इंटरेस्ट के लिए क्रिकेट देखते हैं तो हमें नहीं पता होगी। तो हॉबी जो है वो, वही मैंने बताया कि इंटरव्यू की तैयारी बचपन से होती है, तो हमारी हॉबी बचपन से डेवलप होती है। तो आप कोई ऐसी हॉबी देखें, जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए बता दिया जॉगिंग, जिसमें से ज्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। आपसे किस तरह से सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में? जब आपने इंटरव्यू दिया था तो किस तरह से इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल किए थे, फॉरेस्ट से रिलेटेड, या फिर उनके सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा था कि इस चीज मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो पूरा आधा इंटरव्यू मेरा करंट के ऊपर था, जो न्यूज़पेपर से जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर था। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू 27 फरवरी को था जहां तक मुझे याद है, 2018 में, तब उस दिन का ही न्यूज़पेपर का क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया था, उसी दिन का मुझसे पूछा गया था। और जो बोर्ड में 3 मेंबर्स जो होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, बाकी 2 उनके साथ वाले होते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, तो एक उनमें से जो एक जो सर बैठे या सर या मैम जो भी बैठे होंगे वो जरूर फॉरेस्ट या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बैठे होंगे, तो वो आपसे पूरा फॉरेस्ट्री या एनवायरनमेंट या इस तरह की चीजें आपसे पूछेंगे। अब वो क्या पूछते हैं, वो आपसे एनवायरमेंट लॉस के बारे में पूछ सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, आपसे कोई भी लॉ उठा के वो आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद आपसे आपके जो शहर में या जो हमारे राज्य में जैसा जिस तरह का क्लाइमेट होता है, जिस तरह का फॉरेस्ट होता है, वो आपसे उस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर वो पूछ सकते हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने कहीं साइंस से बीएससी या कुछ भी आपने आर्ट्स से किया है, बैचलर ऑफ आर्ट किया, जो भी किया है आपने, तो आप किस तरह से उसका अपने फॉरेस्ट की सर्विस में उपयोग कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है कि आजकल जितने भी सर्विसेज हो गई हैं, ना कि फॉरेस्ट, बाकी जितनी भी, वो पूरी टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गई है। हमें अगर किसी एनिमल को बचाना है, एनिमल को देखना है, जीपीएस ट्रैकिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी लगेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मुझसे पूछा गया था कि अगर मतलब कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप इस रोड पर आप खड़े हैं और सूरज के फेस मतलब सूरज को आप फेस किए हैं, तो आप ये बताइए कि उस आपके शहर में लेफ्ट साइड में किस तरह का फॉरेस्ट होगा, राइट साइड में किस तरह का फॉरेस्ट ज्यादा डेवलप है। तो ये कॉमन सेंस है, मींस मेरा उस समय आंसर था कि किस समय, सुबह सूरज की तरफ के शाम को सूरज, सुबह दूसरी तरफ सूरज होगा, शाम को दूसरी तरफ सूरज होगा। तो ये मतलब तुरंत मैं आंसर नहीं दूंगा,
फिर उसके बाद मुझसे हॉबी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी हॉबी मैंने लिखी थी कुकिंग, और एक्चुअल मेरी हॉबी कुकिंग है। ग्रेट मैं मतलब क्लास 10th 11th से मैं खुद ही मतलब अपना, तो मेरी वो हॉबी है। और उसमें मतलब मेरे अगर इंटरव्यू में जो 50% जो मेरा पूरा योगदान था क्रैक करने में, वो मेरी हॉबी का ही था। तो हाँ, हॉबी मैंने में इतना जोर देना चाहिए बच्चों को, अगर हॉबी उनकी अच्छी है हाँ, और हॉबी का हॉबी जवाब दे सकते हैं अच्छे से। हॉबी में जरूर हॉबी में जोर देना चाहिए। या फिर आप पहले से किसी जॉब में या सर्विस में हैं तो उसके बारे में आपको डीप स्टडी करनी है। आपको डीप स्टडी करनी है आपके अगर फादर या मदर किसी सर्विस में हैं, मोस्टली इन में हैं या फॉरेस्ट में ही हैं या किसी और सर्विस में हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और था। कुछ बच्चे प्री तो दोनों का कॉमन है, एमपीपीएससी का, फॉरेस्ट का भी, सिविल सर्विस का भी। कुछ बच्चों ने फॉरेस्ट मेंस भी लिखा है और सिविल का मेंस भी लिखा है। इससे किस तरह से इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका रुझान सिविल में था फिर फॉरेस्ट में क्यों हुआ? क्योंकि मेरे 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं सर, उन्होंने सिविल का मेंस भी लिखा है और वो बेसिकली सिविल की ही तैयारी कर रहे थे, बट फॉरेस्ट निकल गया उनका। अब उनका जो रुझान है वो सिविल की तरफ है अभी भी। वो उनका कहना ये, अगर मेरी जॉब यहाँ भी लग जाती है इसके बाद भी मैं सिविल की ही तैयारी करना चाहता हूँ। तो इस तरह से अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चंस कर ले कभी, तो इसको कैसे डील किया जा सके? देखिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि हमेशा सच ही बोलना पड़ता है। और बिल्कुल सभी जानते हैं, चाहे वो इंटरव्यूअर हो या जो कैंडिडेट हैं या कोई भी है, वो सब जानते हैं कि इस दुनिया में आया एक हर इंसान एक बेहतर विकल्प की तलाश में होता है। और दूसरी चीज ये भी वो जानते हैं कि हमें सबको एक नौकरी, सर्विस या जॉब की जरूरत है। तो इसका एक सीधा सा ये उत्तर है कि हाँ, आज मैं यहां सर्विस करता हूं, अगर मुझे कोई बेहतर विकल्प मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन जिस सर्विस में अगर मैं होऊंगा, उससे मैं जो कुछ सीखूंगा वहां वो इंप्लीमेंट करूंगा। सीखना कभी बर्बाद नहीं जाता। हम लोगों की ट्रेनिंग अगर 18 महीने की होती है, जिसमें 6 महीने हम लोगों को भारत देश के विभिन्न हिस्सों में घुमाया जाता है, और जितना हम वहां से नॉलेज गेन करते हैं, जितना जो कुछ सीखते हैं, वो आज हमारे हम सर्विस में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने पर्सनालिटी में लगाते हैं। तो आगे जाके भी हम जो भी अगर हमें बेहतर विकल्प, क्योंकि चूंकि हमें जब बेहतर विकल्प मिलेगा तब हम जाएंगे, जो भी हमें बेहतर विकल्प मिलेगा वहां पे हम इन चीजों का उपयोग करेंगे, वो चीजें बेकार नहीं जाएंगी। तो वो ये चीज जानते हैं कि मींस अगर आपको विकल्प मिलेगा तो आप ऑब्वियसली वहां जाओगे। और अगर आपकी इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका इसमें वो है रुचि, बहुत विशेष रुचि है इस नौकरी में, तो आप नहीं जाओगे। एक क्वेश्चन सर अक्सर देखा गया है, ये बनता है, आप फॉरेस्ट में ही क्यों आना चाहते हैं अक्सर? और बच्चे इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या आंसर दूं, कि मैं फॉरेस्ट में क्यों आना चाहता हूँ। देखिए, सबका आंसर तो सर एक सीधा सा जवाब होता है कि रोजगार, एक जॉब है, अच्छी जॉब है, इसलिए मैं। बट इंटरव्यूअर उस चीज को घुमा के जब पूछ लेते हैं कि नहीं, आप क्यों ही आना चाहते हैं फॉरेस्ट में? जी ये जब मैं एक कैंडिडेट के तौर पे था तो मैंने भी ये क्वेश्चन अपने सर से पूछा था। जी तो इसका भी एक सच जवाब यही था। पहला तो यही था कि हाँ, वो जानते हैं कि एक रोजगार है, रोजगार की जरूरत है, तो हम आएंगे। लेकिन दूसरा इसका जो जवाब था कि अगर आप एक शांति भरे वातावरण में जी जॉब करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि वो जंगल में बैठ के सुकून के साथ शुद्ध ताजी हवा में और सर्विस करे। सर्विस भी कैसी, हम लोगों की जो फॉरेस्ट सर्विस होती है उसमें 4 तरह की मेन चीजें होती हैं। प्रोटेक्शन, हमें जो हमारे आसपास फ्लोरा और फौना है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। कंजर्वेशन, हमें उसको कंजर्व करना है। डेवलपमेंट, जितने भी अंदर फॉरेस्ट में चीजें हैं, अगर हमें कोई ब्रिज बनाना है, रोड बनानी है, वहां पे हमें पेट्रोलिंग कैंप जनरेट करना है, तो डेवलपमेंट हम वहां पे कर रहे हैं।
और फिर अगर चौथी चीज आती है तो वो आती है रिसर्च, कोई नई स्पीसीज हमें मिल रही है, या हमारे कोई जो फॉरेस्ट हमारा एरिया है वहां से माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे यहाँ आ रही हैं, या कुछ भी है, तो उस चीज के बारे में रिसर्च। तो मेन हमारे चार काम है, उन चार कामों को अगर हम ऐसे वातावरण में कर रहे हैं तो वो कौन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप जानते हैं सभी के जीवन में तनाव है। सब कोई भी अगर कोई भी सर्विस भी करता है, बिजनेस भी करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक तनाव भरी लाइफ जी रहा है। तो अगर हमें कोई ऐसी सर्विस मिलती है जहां हम लिटरली कम तनाव में काम करें बाकियों की अपेक्षा, और काम काम वैसे ही है, काम ज्यादा है, काम का लोड भी ज्यादा है, हमें ये पूरी चीजें निभानी है, लेकिन अगर हमें इस तरह का साफ वातावरण मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। वो मोस्टली ये आंसर होना चाहिए सर। हाँ, मोस्टली यही आंसर होना चाहिए। पहली बात तो बिल्कुल साफ है कि रोजगार नौकरी की जरूरत है तभी आ रहे हैं, और दूसरी चीज ये भी साफ है कि अगर हमें ऐसी सर्विस मिल रही है तो अच्छा है। इसमें मैं ज्वाइन करना चाहूँ। हमारे पास पावर भी बहुत है अगर हम उपयोग करते हैं उनका, तो पावर भी हमारे पास 1972 का एक्ट है, और बाकी जो हमें जो लॉस के द्वारा जो पावर दिए गए हैं वो काफी हैं, जिनसे हम अपने जंगल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, हमारे जानवरों को हम बचा सकते हैं। सर मेंस के लिए कुछ गाइडेंस, जैसे अभी बच्चों का मेंस भी है 2021 वाला, जो 2021 का हुआ है, मेंस भी अभी जल्द होने वाले हैं। सर मेंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे डील किया जाए मेंस एग्जाम? अब चूंकि मेंस ऑब्जेक्टिव जी अब टाइप खुद हो गया है जी। है, हम लोगों के टाइम पे सब्जेक्टिव होता था, रिटन मेंस हुआ था इस बार, मतलब फिर उसके बाद से ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ है। तो मेंस के लिए सबसे पहले हमें सीखना है कि हमारे बेसिक्स जो हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए, और अगर आपको बेसिक्स मजबूत करने हैं तो वो एनसीईआरटी, या फिर अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप पाठ्य पुस्तक निगम, जो हमारे एमपी बोर्ड्स की किताब चलती हैं, उनकी आप किताब पढ़ें। अगर आपका बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एप्टीट्यूड और इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती थी, मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, तो मैंने क्लास सिक्स से एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक लगाई। वो मुझे बहुत सिंपल लगती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको विद एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया, सिक्स की, सेवेंथ की, एट्थ की, नाइन्थ की, टेंथ की, और जैसे जैसे मैं थोड़ा सा लेवल उठाता गया, मेरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला ये पोर्शन है बहुत स्ट्रांग हो गया। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है उसका। अब हमारे यहाँ क्या होता है, साइंस जो फॉरेस्ट में है, साइंस बहुत आती है, तो उस साइंस को आप पढ़ने के लिए बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ें। आप क्लास सिक्स की बुक, आपको लगेगा कि ये चीज हमें आती है, लेकिन उसमें भी कई ऐसी चीजें हमें मिलेंगी जो हमारे बहुत काम आएंगी, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, एक साइंस की बुक में एक एंथ्रेक्स नाम का एक कीटाणु जीवाणु, जो जनरली भेड़ों इनके बालों में पाया जाता है, उसके बारे में, उसका सीधा क्वेश्चन एमपीपीएससी और यूपीएससी में आया, क्लास सिक्स की बुक से। और क्योंकि ये कई लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं होगा, तो कहने का मतलब ये है कि आप बेसिक से उठाएं, छठवीं क्लास से आप किताब पढ़ना चालू करें, और 12th तक आप उस चीज को पढ़ें, आपका साइंस वाला पोर्शन हो या कोई भी पोर्शन हो, उसका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी, जो भी किसी राइटर की बुक है अच्छी, जैसे हम देखें तो फॉरेस्ट्री के लिए तो मणिकंदन सबसे अच्छी किताब है, बहुत सिंपल वे में आपको पूरी फॉरेस्ट्री समझा दी गई है। इसके बाद परीक्षा वाणी की शायद एस के ओझा की किताब आती है, शंकर आईएएस की हैं, तो इन किताबों का आप अध्ययन करें फॉरेस्ट्री के लिए और साइंस के लिए। जी
सर एमपी वाला पोर्शन जो ट्राइब्स वाला पोर्शन है एमपी का, अब अलग से जोड़ दिया गया है उसमें मेंस में, और एमपी का काफी डिटेल में भी क्वेश्चंस फॉरेस्ट मेंस में भी हैं, प्री में तो है ही एमपी के यूनिट्स, बट मेंस में भी एमपी डिटेल में। एमपी के लिए सर कोई सोर्स आप बताइए जो बेस्ट सोर्स हो सके। एमपी के लिए अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं कोई भी बेस्ट सोर्स, तो वो हो सकता है हिंदी ग्रंथ अकादमी की मध्य प्रदेश की किताब। आप जनरली हम क्या करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट होता है वो हम कम से कम 5-6 किताबें जोड़ लेते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं, जबकि ये मेरे हिसाब से गलत अप्रोच है। आप एक बुक लाइक एमपी है, आप एमपी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब लीजिए और उसको आप बार बार रीड कीजिए, तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन उस किताब से बाहर जाएं, लेकिन 90-95% क्वेश्चंस आपको उस किताब के अंदर मिल ही जाएंगे। तो बिल्कुल हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज आप जरूर पढ़ें। सर, कोई और टिप्स आप जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू वाले बच्चों को देना चाहेंगे और जिनका मेंस उनको देना चाहेंगे? हाँ, इंटरव्यू में जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू जो टेस्ट होता है वो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, मैं आपको बता दिया है। उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सामने हमारे इंटरव्यू ले रहे होते हैं जी वो आपके लिए कभी कभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, आपको वो प्रोवोक भी करेंगे। उस सिचुएशन में भी आपको अपने चेहरे की स्माइल नहीं हटानी है। वो जनरली केवल ये टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप आके जाके सर्विस में आते हैं तो आप कोई भी तनावग्रस्त स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं। कई लोगों से ये गलती हुई कि इंटरव्यूअर ने उनको परेशान किया या उन पे हंसने लगे तो वो वहां पे पैनिक हो गए, उनको पसीना आने लगा, वो रोने टाइप के लगे, तो फिर इंटरव्यूअर वो आपको लाइफ में पैनिक नहीं करना, वो बस उस सिचुएशन को देख रहा है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको वहां अगर आप दो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सिंपल नहीं भी बनते हैं तो भी आपको अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है, और अगर और जब आप वहां से इंटरव्यू देके उठते हैं तो प्रॉपर तरीके में उठकर एक बार जरूर आप जो हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं उनसे ये जरूर बोलें कि जो भी हम पे क्वेश्चन नहीं बने हैं उनका मैं जाकर अध्ययन जरूर करूंगा। इससे ये सामने वाले पर ये प्रभाव जाता है कि हाँ आप में सीखने की ललक है, तो थोड़ा सा हमें ये इन चीजों का ध्यान देना है। बाकी तो और फिर अपना जो है अगर हम मेहनत करते हैं तो लक हमारे साथ हमेशा रहता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करूंगा बच्चों को ये जो सेशन है आपके द्वारा लिया गया बहुत अच्छा लगे और उनकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंटरव्यू की जो टिप्स हैं सर बहुत कम मिलती हैं देखने को कि किस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चंस करते हैं। ऊपर से फॉरेस्ट का अभी तक जो है आपको कुछ चीजें सोर्स नहीं मिलेंगे कि फॉरेस्ट के इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, और मोस्टली अभी बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को बहुत हेल्प मिली होगी इस इंटरव्यू से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी छात्रों की ओर से भी और हमारे चैनल की ओर से भी कि आप जुड़े, और सर निरंतर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इंटरव्यू से पहले भी सर के कुछ सेशंस होंगे जिसमें वो आपसे भी इंटरेक्ट करेंगे। सर बिल्कुल आप लगे रहिएगा बच्चों के साथ, और इन थैंक यू। बच्चों को आपके गाइडेंस की बहुत बहुत जरूरत है कि आपका गाइडेंस इन बच्चों को हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, जरूर जरूर। तो बच्चों ये सेशन यहीं तक, आपको पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। सर की फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके फॉलो कर लें। कोई भी डाउट हो आप सर से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना। मैंने दोनों का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अभी जाएं और फॉलो कर लें सर को, और मिलूंगा मैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।